देखिए, मैं माफी इसलिए भी चाहूंगा कि ये आपके बात करने का वक्त है। ये मैक्सिमम लड़कों के बात करने का वक्त है फोन पे, और सिर्फ बात करने का वक्त ही नहीं है, लड़कों की बात करने की उम्र भी है कि वो इस वक्त अपना जो दिन का वक्त है वो सबसे कीमती इंसान को देते हैं जो उनकी जिंदगी में होता है। ऐसा उनको लगता है कि ये बहुत कीमती इंसान है मेरी जिंदगी का, ये है तो जिंदगी है, वरना तो कुछ भी नहीं है, सब गंदगी है। इस तरीके की चीजें उनको लगती हैं, जो कि सरासर गलतफहमी भी है काफी हद तक, कि इस सब चक्करों में एक दिन ऐसा होता है कि नौकरी नहीं लग पाती और सामने वाला ये कह के चला जाता है कि यार पापा नहीं मान रहे क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे। पापा का एक ही पॉइंट है कि तुम कुछ कर नहीं रहे। अब पापा को तो नहीं पता कि करने किसने नहीं दिया इसको, कर तो ये भी बहुत कुछ सकता था। तो लड़का फिर हर तरफ से टूट जाता है, नौकरी नहीं है, जिसके चक्कर में नौकरी नहीं है वो भी नहीं है, घर पे अलग से इज्जत की कुटाई है, छोटे भाई बहन इज्जत की नजरों से नहीं देख रहे, ऐसे बोलते हैं भैया तो 5 साल दिल्ली रहे, पता नहीं क्या करते रहे, मतलब वो भी बात मानना बंद कर देते हैं। हालत ये आ जाती है कि छोटे भाई बहन भी बात मानना बंद कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर, आप बोलेंगे गिलास पानी ले, बोले खुद ले लो, ऐसे बोले खुद ले लो और मेरे लिए भी एक गिलास ले आना। ऐसी नौबत मैं नहीं चाहता आप में से किसी की भी जिंदगी में आए, क्योंकि ये बहुत ही खराब क्षण होते हैं जब आपको 10 रुपए के रिचार्ज के लिए भी छोटे भाई बहनों या माँ बाप का सहारा लेना पड़े, अगर आप 22-23 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। अब आपको वास्तव में अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त है, क्योंकि देखिए मैं सारी बातों को बहुत अच्छा मानता हूँ, ठीक है आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, बट कब तक करेंगे बताइए। और प्यार का इस चीज से कोई मायने नहीं है कि वो आपको जिंदगी भर बैठ के खिलाएंगे, नहीं है उनका बस। और मैं नहीं समझता कि शायद ऐसा कोई माँ बाप होता है कि जिसके पास बहुत करोड़ों रुपए और वो फिर भी अपनी संतान के साथ नहीं खर्च करना चाहता, ऐसा नहीं चाहते, बट है ही नहीं। हम सब जितने भी लोग SSC की तैयारी में आए, आप तैयारी में हैं, तो किसी के भी मम्मी पापा के पास उतना पैसा नहीं, तभी SSC की तैयारी शायद कर रहे हैं, उतने जीनियस भी पैदा नहीं हुए। हर तरफ से हमारे साथ मुश्किल है कि हम वो दबा हुआ तबका है जो हर तरफ से पिचका हुआ है। जैसे नहीं होता कि मम्मी की दहेज में ये भिगोनिया आई थी, वो भिगोनिया हर तरफ से पिचक चुकी होती है 25-26 सालों में, फिर भी उसमें चाय बन रही है, कोई भी उसको ठोक पीट रहा है, यूं फेंक दी किसी ने भी, फिर भी उसको काम निकाला जा रहा है उससे। तो उस तरीके के मत बनिए, ये मैं आपको सच में कहना चाहता हूँ, दिल से कहना चाहता हूँ। और ये देखिए जीवन की सच्चाई को समझिए कि आज अगर आप ये चाहते हैं कि लोग भी आपको सम्मान दें, प्यार दें, तो उसके लिए आपको कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, और वो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना तो पिताजी की दुकान पे तो 36 लोग बैठ रहे हैं, कोई नहीं पूछता, सभी कहता अरे कुछ नहीं पिताजी की दुकान थी, उसी बैठा लड़का कुछ कर नहीं पाया। जब आप अलग हटके कुछ करेंगे जो आपके परिवार में किसी ने नहीं किया, अगर आपके परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप वो लेके आएंगे, या किसी के पास सरकारी नौकरी है तो छोटी मोटी आप उससे बड़ी लेके आएंगे, तब आपकी आपके समाज में इज्जत होगी। और हर एक इंसान, देखिए इस दुनिया में जो भी है, हम आप सब, हम सब इज्जत के भूखे हैं, कहने की बात अलग है, हम सब चाहते हैं कि हम जहां जाएं हमारी वाई वाई हो, अच्छा लगता है, अप्रिशिएशन सबको अच्छा लगता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको अप्रिशिएशन अच्छा नहीं लगता। हर आदमी काम के लिए अप्रिशिएशन काम कर रहा है, अप्रिशिएशन के लिए काम कर रहा है, तो फिर क्यों और क्यों इतनी देर? आप खुद सोचिए कि आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और आपको भी घर वालों ने, हर किसी के घर वाले 1 या 2 साल तो सबको ही देते हैं कि बेटा ठीक है तुम आराम से तैयारी कर लो, आप में से 80 या 90% को आराम से 1 या 2 साल दिया गया होगा, या तो वो आपने निकाल दिया होगा या आप उसे निकाल दें, कैसे, इधर उधर समय खराब करके। अपने दिन का कितने प्रतिशत समय आप खराब करते हैं, अभी मेरी जब ये क्लास खत्म हो जाए तो इस बात का आकलन जरूर करिएगा, एक कॉपी पेन उठाइएगा और लिखिएगा कि आज सुबह से मैंने कितना वक्त अपना ऐसे ही खराब कर दिया। सच में कोई आपका अपना नहीं है, अकेले जीना है। अभी आप सब इसी डर में फंसे हुए हो, वो छोड़ देगी क्या होगा, वो छोड़ देगा क्या होगा, डर में जीवन नहीं चलता बेटा, डर में जिंदगी नहीं गुजर सकते, ना कुछ अच्छा कर सकते हो, हर पल यही डर सताता रहता है, 2 घंटे फोन नहीं आता फिर फोन लगा के देखते हैं अच्छा वेटिंग तो नहीं आ रहा, इस डर में जीवन नहीं बीत सकता। कुछ ऐसा करिए कि डर खत्म हो जाए, अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कोई आपके पास से जा ही नहीं सकता, कोई आपका सब्स्टिट्यूट बन ही नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी यहाँ बेहतर की तलाश में, हर आदमी यहाँ बेहतर की तलाश में, तो आप बेहतरीन बनने की कोशिश करिए, समझ रहे ना बात को, बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कह रहा है कोई लड़का?
एक लड़का कह रहा है सर माई फादर हैज एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज इन 10th क्लास एंड फ्रॉम दैट टाइम मैंने खुद से टीचिंग करके अपने ग्रेजुएशन तक की स्टडी मैथमेटिक्स से पूरा किया एंड अपने फैमिली को भी आगे बढ़ाया। शुभम रंजन जैसे लड़के की ही जरूरत है। ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है और सही बात है कि देखिए जब आपको एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होना है और होना पड़ेगा, कब तक माँ बच्चे को गोद में खिलाती रहे, 5 महीने 6 महीने 4 महीने, उसके बाद तो उसको अपने पैर पे दौड़ना ही पड़ता है। तो ऐसे ही युवा के साथ है कि माँ बाप 17-18 साल तक अपना खिलाते रहेंगे आपको और कोशिश करेंगे कि आप आगे बढ़ें। हर पिता का ये सपना है। आज कितने सारे पिता हार्ट अटैक और इन सब से जा रहे हैं, दुनिया से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब सही वक्त था कि बच्चे अपने घर को संभाल सकते थे, लड़का पापा के हाथ को बटा सकता था, उस वक्त आपने देरी कर दी। उस वक्त आप मुखर्जी नगर या दिल्ली या प्रिपरेशन की चकाचौंध में पागल हो गए। आज हम देखते हैं, ये मैं ज्ञान सिर्फ इसीलिए दे रहा हूँ कि मैं देखता हूँ जब मैंने सेशन क्रिएट किया तो कमेंट में क्या चल रहा है, यही सब चल रहा है। ज्योति तुम कहाँ रहती हो, सुमन तुम कैसी हो, यही सब चल रहा है। ये सबसे जिंदगी बहुत दिनों तक सुख में नहीं हो सकती। आप अभी क्या है, शॉर्ट टर्म खुशी देख रहे हैं, आप दूरदर्शी बने नहीं रहे, आप लंबा सोच ही नहीं रहे कि जो मैं कर रहा हूं इसका आगे परिणाम क्या होगा, इस पे आपका ध्यान ही नहीं है। तो भैया ये बात सोचनी पड़ेगी, कोई और समझाने नहीं आएगा। हम शिक्षक हैं, हमारा काम है आपको मार्ग दिखाना और आपको ये भी बताना कि मार्ग के बीच में बहुत सारे ब्रेकर आएंगे, कैसे उस पे बचना है, बट आपको अपनी स्पीड कैसी रखनी है, सही दिशा मेंटेन करनी है नहीं करनी, रास्ते में कितनी देर कहां रुकना है, सारा टाइम खाने पीने में नहीं खराब कर देना, यह आपको देखना पड़ेगा। तो क्या बोले इससे ज्यादा, बट जब लगता है कि आप नहीं पढ़ रहे तो कहना पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और कुछ, एक जैसे इस सवाल को भी कर लीजिए, बहुत प्यारा सवाल लगा मुझे, जल्दी से भी इस सवाल को करके उत्तर बताइए कि किस तरीके से इस सवाल का उत्तर हम निकालेंगे। बहुत जल्दी बताइए क्या होगा। हमारा फर्ज है वो हम निभा रहे हैं, हम भी अब इस वक्त सो सकते हैं रात में, हमारा भी परिवार है, बट ठीक है फिर भी पढ़ाने आ रहे हैं कि आपका रिदम ना टूटे। आज पूरे दिन क्लास नहीं हुई तो आपको ये ना लगे कि क्लास नहीं हो रही, आपका रिदम बना रहे पढ़ाई के लिए, तभी तो आ रहे हैं, वरना बिस्तर तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी आराम से बेड पे सोना चाहते हैं एकदम सीधे होकर, बट फिर भी देखिए 2a का 2a प्लस 5 का स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 4a स्क्वायर प्लस 25